सीताराम मांझी ने बयान दिया है कि राम से बड़े रावण थे। नहीं, कभी नहीं हो सकता है। सीताराम मांझी को आप क्या बोलेंगे? सीताराम मांझी है तो इसका मतलब है कि सीताराम मांझी भी वही रावण के कर्तव्य और उसी के अथी पे चलेंगे। तो हिंदू धर्म को नहीं मानने वाले हैं, भगवान को नहीं मानने वाले हैं। तो राम बड़े थे या रावण? देखिए, बड़ा तो राम ही थे, है ना। और रावण भी विद्या में राम से कम नहीं था, लेकिन उसका जो कर्म था वो गलत था। पूर्व मुख्यमंत्री होके अगर इतना भी ज्ञान नहीं है कि हमारे भगवान के अस्तित्व पे प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं, तो फिर उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। उनसे बड़ा कोई है? कोई नहीं। उनका नाम ही बहुत बड़ा है। उनका शरीर तो छोड़ दीजिए, उनका नाम ही बहुत बड़ा है। तो जो अगर कोई अगर अनाप शनाप बोले तो भाई उनके बारे में क्या हम कर सकते हैं? बुढ़वा के ना बोला जाएगा। राम से बड़े रावण तो हो ही नहीं सकते हैं। राम जी ही रहेंगे। तो बुजुर्ग नेता है और बहुत शर्मनाक बयान दिए हैं। सीताराम मांझी बोले वो तो सरासर गलत है। नहीं, गलत नहीं कहेंगे, उनका अपना समझ होगा। हाँ, वो मुख्यमंत्री हैं, वही बहुत विद्वान आदमी हैं, बहुत पुराना लीडर हैं, उनका अपना सोच है। हाँ, उनका अपनी सोच है। सीताराम मांझी जी को देखिए, धर्म और शास्त्र का ज्ञान सही से लेना चाहिए। आपकी फिटनेस का राज क्या है? एशफील्ड रस, ये एक ही बॉटल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, एबिसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल। एशफील्ड लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आपके साथ मानसी। बता दें कि बिहार के सियासी गलियारे में अक्सर कुछ ना कुछ बयानबाजी होते रहती है। बता दें कि कुछ दिन पूर्व बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने ये बयान दिया था कि रामचरितमानस जो है वो नफरत फैलाती है। तो अब मैं आपको बता दूं कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने ये बयान दे दिया है कि राम से बड़े रावण थे। तो इस वक्त हम हनुमान मंदिर के पास मौजूद है और हमारा सवाल सबसे यही रहेगा कि राम बड़ा या रावण। आइए चलते हैं और लोगों से बात करेंगे और ये जानेंगे कि क्या जीतन राम मांझी ने ये बयान दिया है वो बयान सही है, क्या राम बड़े थे या रावण। आइए हम यहाँ के लोगों से ये बात जानेंगे। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने बयान दिया है कि राम से बड़े रावण थे। नहीं, कभी नहीं हो सकता है। नहीं, इसलिए नहीं हो सकता है कि राम जो थे वो सत्यवादी थे, उनका कर्तव्य मतलब हिंदुत्व का था, ठीक है। रावण एक ब्राह्मण था, हर चीज में बनिया था, लेकिन वो काम जो उसका था वो राक्षसों वाला था और राक्षसों का राजा था। उसको हम कैसे मान लेंगे कि नहीं भाई वो राम से बड़ा हो जाएगा? कभी नहीं हो सकता ऐसा। सीताराम मांझी को आप क्या बोलेंगे? सीताराम मांझी है तो इसका मतलब है कि सीताराम मांझी भी वही रावण के कर्तव्य और उसी के अथी पे चलेंगे, ठीक है ना। उसका मतलब है कि वो हिंदू धर्म को नहीं मानने वाले हैं, भगवान को नहीं मानने वाले हैं, ठीक है। आपके हिसाब से रावण राम ज्यादा बड़े थे? एकदम बड़े थे, भगवान थे भाई, भगवान थे, ठीक है। रावण थे तो रावण राक्षस थे, ब्राह्मण थे, लेकिन उनका कर्तव्य उनका सारा भाई कुंभकर्ण भी राक्षस था, विभीषण भी राक्षस था, लेकिन उन लोग का कर्तव्य उन लोग का राम से मैच कर रहा था। कुंभकर्ण मरने के समय भी जाकर रावण को समझाया कि भैया ऐसा ऐसा मत कीजिए, ठीक है ना, वो भगवान का अवतार है, लेकिन वो राक्षसी बुद्धि के कारण नहीं माना और उसका अंत हुआ। देखा आपने, इन्होंने क्या जवाब दिया? सर, सीताराम मांझी ने यह बयान दिया है कि राम से बड़े, पॉलिटिक्स से बड़ी दूर रहते मैडम। फिर भी आपके हिसाब से, आप भगवान को तो मानते हैं, हिंदू धर्म को मानते हैं, तो राम बड़े थे या रावण? देखिए, बड़ा तो राम ही थे, है ना। और रावण भी विद्या में राम से कम नहीं था, लेकिन उसका जो कर्म था वो गलत था, है ना। तो वो अपने कर्म के वजह से उसको लोग राक्षस बोलते थे, नहीं तो वो इतना ज्ञानी था वो कि बड़े बड़े देवताओं को अपने बस में कर सकता था, है ना। तो ऐसा नहीं है, कर्म बड़ा होता है, कोई बड़ा नहीं होता, ना राम बड़े थे ना रावण बड़ा था, सबका कर्म बड़ा होता है, तो कर्म के हिसाब से राम बड़े थे। कौन बड़े थे, राम या रावण? ना राम बड़े थे ना रावण बड़े थे, मैंने कोई नहीं, मंत्री जीतन राम मांझी ये बयान दिए हैं कि राम से बड़े रावण है, ये उनकी सोच है, ये उनकी सोच है। आप इस पर क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, हर बात का टिप्पणी नहीं करना चाहिए, अगर उनकी इतनी समझदारी, इतना छोटा सोच सकते हैं तो उनसे हम क्या बोले। एक पूर्व मुख्यमंत्री होके अगर इतना भी ज्ञान नहीं है कि हमारे भगवान के अस्तित्व पे प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं, तो फिर उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। नहीं, मूर्खों से मूर्खों के बारे में बात करना उचित नहीं है। तो आपके हिसाब से आप भगवान राम को मानते हैं? स्वाभाविक है, कोई भी सनातनी मानता है। तो आपके हिसाब से उनका ये जो बयान है वो गलत है? सरासर गलत है।
तो बता दो आपको कि इस वक्त हम हनुमान मंदिर के पास हैं और हम लोगों से ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का ये जो बयान है वो कितना सही है। आइए चलते हैं और हम लोगों से जानते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ये बयान दिए हैं कि राम से बड़ा रावण है, रावण थे, राम से बड़ा रावण थे, राम से बड़ा कोई है? कोई नहीं, उनका नाम ही बहुत बड़ा है, उनका शरीर तो छोड़ दीजिए, उनका नाम ही बहुत बड़ा है, शरीर को छोड़ दे, नाम बहुत बड़ा। हाँ, नाम ही बहुत बड़ा है। तो आप क्या बोलेंगे पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को? अब जो अगर कोई अगर अनाप शनाप बोले तो भाई उनके बारे में क्या हम कर सकते हैं, बुढ़वा के ना बोला जाएगा। तो उनका ये बयान सरासर गलत। हाँ, गलत है। राम से बड़ा कोई है ही नहीं, कोई नहीं। तुम सब तो बुढ़वा कई वाला बात ना बोली। हाँ, राम से बड़ा रावण कैसे हो जाएगा? कहाँ रावण है, कहाँ राम है? मंत्री जीतन राम मांझी ये बयान दिए हैं ना कि राम से बड़े रावण थे। राम से बड़े रावण तो हो ही नहीं सकते हैं, राम जी ही रहेंगे। और रावण जो भी बहुत बड़े महापुरुष है, बुद्धिजीवी है, लेकिन पंडित तो कहलाते हैं, लेकिन राम जी का जहाँ तक बात है आज तक ना कोई तुलना कर सका है ना ही करेगा। तो ये जो पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जो बयान दिए हैं उनके दिमाग को क्या बोलेंगे? वो तो खैर क्या हम कहा जाए, वो तो बुजुर्ग नेता है और बहुत शर्मनाक बयान दिए हैं, इस बारे में मैं क्या कह सकता हूँ, आप समझते ही होंगे। उनका ये बयान सरासर गलत है? गलत ही नहीं, महागलत है। इस पर कोई धर्म के बात पर, या मान लीजिए सनातन धर्म के बात में हमारे महापुरुष रामचंद्र जी हैं, उनके बारे में इस तरह का बयान देने का कोई तुक ही नहीं होता है, ये कोई बात नहीं है। तुलना क्या करना है, जो भी है। अब सर से थोड़ा सा सर बताइए, जीतनराम मांझी बयान दिए हैं कि राम रावण थे, उनसे बड़े रावण थे। नहीं, देखिए रावण का अपना अलग व्यक्तित्व था, राम का अलग व्यक्तित्व है ना। रावण का अब उसको ये नहीं कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं, कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि राम देखो, राम जो है, राम अपना एक उनका अलग अलग था, और रावण जो है वो भी बहुत बड़ा ज्ञानी था, है ना। हाँ, बहुत बड़ा ज्ञानी था और उसके अंदर भी बहुत सारे गुण थे। देखो सीता जी को ले भी गया तो उनको वाटिका में रखा, आज रावण से कई करोड़ ज़्यादा रावण हैं। वो एक रावण था, उसका मेरिट था कि सीता जी को वाटिका में रखा। आज रावण कैसे रावण है कि आज लोग गाड़ी में से खींच रहे हैं, रोड पर चलते लड़के को खींच रहे हैं, उससे ज़्यादा रावण है। ये दुर्भाग्य है कि एक रावण को जला जाता है और वो रावण रोड पर घूम रहे हैं, है, ये गलत है, ये गलत है। आपने भी बिल्कुल सही बोला सर, लेकिन ये जो पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी बोले वो तो सरासर गलत है। नहीं, गलत नहीं कहेंगे, उनका अपना समझ होगा। हाँ, वो मुख्यमंत्री हैं, वही बहुत विद्वान आदमी हैं, बहुत पुराना लीडर हैं, उनका अपना सोच है। हाँ, उनका अपनी सोच है, तो उनका अपना, हम लोग ऐसे मानते हैं कि हम रावण का अपना अलग व्यक्तित्व है, रावण राम का अलग व्यक्तित्व है। लोग जो है, अब जो राम को मानने वाले हैं, रावण को मानने वाले हैं, वो अलग अलग तरह से वर्गीकरण करते हैं, उसका वो अलग मैटर है। क्या कुछ बोलना चाह रहे हैं सर आप? नहीं, जीतन राम मांझी जी को देखिए, धर्म और शास्त्र का ज्ञान सही से लेना चाहिए, क्या तर्क है क्या वितर्क है, ये आप करने वाले कोई नहीं होते हैं, वो तो जो भी रामचंद्र जी कर चुके हैं। और क्या बोलते हैं, के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बताइए, आप यहीं बैठते हैं? हाँ, यहीं बैठते हैं, हनुमान मंदिर के बाहर बैठते हैं। जी जी, राम बड़े या रावण? जीतन राम मांझी बयान दिए हैं कि रावण बड़े, रावण चोर था, महाचोर था। राम जी हैं, तब राम जी भगवान है। रावण भले ब्राह्मण थे लेकिन वो अहंकार में डूब गए, उनके अहंकार उनको ले बीता, और जो भी अहंकार करेगा वो डूब जाएगा। तो ये पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का ये जो बयान है वो गलत है, महागलत है। उनको क्या बोलेंगे आप, जीतन राम मांझी को क्या बोले? उनको बुजुर्ग है, जोड़ा पाए जाते तो कुछ बोलते। तो बता दूं मैं आपको कि बिहार के सियासी गलियारे में अक्सर बयानबाजी चलती रहती है, कभी रामचरितमानस को लेके तो कभी राम रावण को लेके। बता दें कि जहां पूर्व में शिक्षा मंत्री ने बोल दिया था कि रामचरितमानस नफरत फैलाती है, तो वहीं अब पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने यह बयान दे दिया है कि राम से बड़े रावण थे। तो इस पर हम बात करने के लिए आज हनुमान मंदिर पहुँचे थे और हनुमान मंदिर के बाहर हमने लोगों से चर्चा की और हमारा सवाल यही रहा कि राम बड़ा या रावण। तो लोगों ने क्या राय दी है वो तो अब आपने देख ही लिया है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे मेरे साथ NBC 24 पर।